Hello students, so today we will study lesson 2, greed will lead to downfall, never be greedy. So do you know the meaning of greed? Greed is lalaj and greedy is lalchi. Downfall matlab girna, niche girna. So greed will lead to downfall matlab ki lalaj hume niche girata hai, never be greedy, to hume lalchi nahi hona chahiye. So this is the story of an animal who was unsatisfied with themselves. Okay, now listen me carefully. In the midst of okay, I am reading each and every line and then explain. In the midst of a forest there was an image. It was of some scent. ठीक है, जंगल के बीचों बीच एक इमेज यानी कि एक मूर्ति रखी हुई थी. और किसकी मूर्ति थी वो? सेंट. सेंट मतलब साधु. द डिवोटीज बिगेन फ्लॉकिंग टू द फॉरेस्ट टू पे देयर रिगार्ड्स. ठीक है, जो श्रद्धालु, डिवोटीज मतलब सच श्रद्धालु थे, वो आते थे फॉरेस्ट में और उनको उनको बहुत रिगार्ड्स देते थे. ठीक है, उनके लिए पूजा पाठ करते थे. दे ऑफर्ड फ्रूट्स टू द इमेज. द एनिमल वर वॉचिंग द होल सीन. वो उस इमेज को यानी कि उस मूर्ति को फल देते थे. ठीक है, उनकी पूजा आराधना करते थे और एनिमल्स जो थे वो ये सब देखते देख रहे थे वहाँ पे. अ हेयर केम टू द इमेज ऑफ द सेज. He said, "Oh great sage, you know what my desire is." तभी वहाँ पे एक कौन आया? हेयर आया और उसने पूछा उनसे, साधु से जो थे उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं मेरी इच्छा क्या है? डिज़ायर मतलब इच्छा. I am here. Some humans want to kill me. Some want to kill me for my white hairy skin. ठीक है, उसने बोला कि मैं हेयर हूँ और ह्यूमंस जो हैं यानी कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं, आदमी लोग हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं. कुछ जो हैं वो मुझे मेरे हेयरी वाइट हेयरी स्किन के लिए मारना चाहते हैं. दे से वी विल मेक ग्लव्स ऑफ योर वाइट हेयरी स्किन. वो बोलते हैं कि मेरे वाइट हेयरी स्किन का वो ग्लव्स बनाएंगे. ठीक है, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना ग्लव्स, स्वेटर्स. ठीक है, अदर्स वॉन्ट टू किल मी फॉर माई फ्लैश. और कुछ जो है वो मेरा मांस खाना चाहते हैं. दे से रैबिट्स फ्लैश इज वेरी टेस्टी, वेदर देव किल मी फॉर माई वाइट हेयरी स्किन और फॉर माई फ्लैश, इट मेक्स नो डिफरेंसेस टू मी. ठीक है, रैबिट की स्किन जो होती है वो बहुत टेस्टी होती है. रैबिट की फ्लैश, सॉरी, रैबिट का जो फ्लैश होता है, मांस जो होता है, वो बहुत टेस्टी होता है. और चाहे वो मेरे मेरे प्यारे से वाइट बालों के लिए, वाइट हेयर स्किन के लिए मुझे मारे या फिर मेरे फ्लैश के लिए, मेरे मांस के लिए मुझे मारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ डिफरेंस नहीं है उन दोनों के बीच में, क्योंकि वो तो उन्हें मारना चाहते थे. आफ्टर ऑल I will lose my life. कुछ भी हो, दोनों ही केस में मैं क्या अपनी ज़िंदगी लूज कर दूँगा. ठीक है, मैं मर जाऊँगा. You better make me a cat. उसने बोला कि मुझे cat बना दो. And instantly he was transformed into a cat. ठीक है, और एकदम से, तुरंत, instantly मतलब तुरंत. ठीक है, आपके मम्मा ने जैसे आपको आवाज़ दी है ना, तो आप इंस्टेंटली आप जाते हो मम्मा के पास, क्या हुआ? तो वैसे ही उन्होंने बोला तो उन्होंने, सेंट ने उनको क्या किया? कैट बना दिया तुरंत. ट्रांसफॉर्म मतलब बदल कर उसका रूप कैट में कर दिया. ही सेड थैंक यू काइंड सेज एंड वेंट अवे. उसने सेज को थैंक यू बोला और चला गया. आफ्टर अ वीक द कैट केम टू द इमेज ऑफ द सेज एंड सेड ओ मर्सीफुल सेज I am thankful to you that you transformed me into a cat. एक वीक, ठीक है, वन वीक के बाद वो फिर से आया.
अब तो वो कैट बन चुका था। फिर से उसने सेज को बोला कि थैंक यू, आपने मुझे कैट में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, पर एक प्रॉब्लम फिर से है, ठीक है। एज सून एज एनी डॉग नोटिस मी ही रन्स आफ्टर मी टू किल मी, जैसे ही मुझे कोई डॉग कुत्ता मुझे देखता है और वो मेरे पीछे भागने लगता है मुझे मारने के लिए। बट फार मोर क्रूअल आर द ह्यूमंस, पर उससे भी ज़्यादा क्रूअल कौन है, ह्यूमंस। इफ आई क्रॉस अ रोड द एस द पासर्स बाय से ओ नो अ कैट हैज क्रॉस द रोड, ठीक है, जब भी मैं रोड क्रॉस करता हूँ तो जो आसपास के जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, रोड पे से जो जा रहे हैं उनको पासर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैट को देख के बोलते हैं कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इट्स अ बैड ओमेन, ठीक है। हम बोलते हैं ना जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, अरे यार अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है ना, तो वो सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे करते हैं, दे रिट्रीट, समटाइम्स दे गो अहेड, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, पीछे जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, मुझे बार बार मैं अगर सामने आता हूँ तो मुझे देख के ऐसा ट्रीट करते हैं मुझे। इफ़ समथिंग बैड हैपन्स दे कर्स मी, कर्स मतलब कि दोषारोपण करना, उसको बोलना कि इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ ख़राब होता है तो वो मुझे ही उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। नाउ प्लीज़ टेल मी हाउ फार एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसफॉर्च्यून, अब मुझे आप बताइए कि इसके लिए मैं कहाँ रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर उनके साथ कुछ गलती हो रही है तो। आई यूज़ टू गो माई ओन वे, मैं हमेशा अपने रास्ते पे चल रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। इट्स दे हु क्रॉस माय वे, ये वो होते हैं, ये वो ह्यूमन बींग्स ही हैं जो मेरा रास्ता काटते हैं। यू हैड बेटर ट्रांसफॉर्म मी इंटू अ डॉग, एंड इंस्टेंटली द कैट बिकेम अ डॉग, वो बोलता है कि इससे बेहतर है कि आप मुझे डॉग बना दो फिर से बदल के, ठीक है। एंड इंस्टेंटली द कैट बिकेम अ डॉग, और कैट क्या बन जाती है, डॉग बन जाती है। आफ्टर थ्री डेज द डॉग रिटर्न टू द इमेज एंड सेड ओ मर्सीफुल सेज दीज ह्यूमन्स आर फूलिश, फिर से तीन दिन बाद वो वापस आता है और फिर सेज से बोलता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बेवकूफ़ हैं, दे कीप मी एज अ गार्ड dogs to keep a lookout for thieves and burglars, ठीक है। वो बोलता है कि ये ह्यूमन बींग्स जो हैं मुझे एज अ गार्ड, मुझे गार्ड बना के रखा है इन लोगों ने कि अगर कोई चोर आए, डाकू आए तो उन्हें उनको मैं देखूँ। आई हैव टू बी अप होल नाइट, पूरी रात मुझे जागना पड़ता है। You had better make me a monkey. I can at least sleep peacefully at night. वो उसको बोलता है फिर से कि मुझे क्या करो, मंकी बना दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि मैं रात में आराम से सो सकूँ। Instantly he was converted into a monkey. फिर वो तुरंत मंकी में कन्वर्ट हो गया। After a few days the monkey came and said, ओ काइंड सेज आई एम थैंकफुल टू यू फॉर मेकिंग मी अ मंकी, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद वो आता है और फिर सेज को बोलता है कि मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मंकी बनाया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर से उसको प्रॉब्लम होती है। वेन एवर सम एरोगेंट बॉय मूव्स क्विकली पीपल से लुक हिज अ मंकी, अगर कभी भी कोई एरोगेंट सा मतलब कि बहुत ही अकड़ू टाइप का लड़का है, अगर वो इधर उधर जल्दी जल्दी जो है मूव हो रहा है या उछल कूद कर रहा है तो उसको देख के सब लोग क्या बोलते हैं, देखो ये बंदर जैसे काम कर रहा है। ऑल्सो पीपल थ्रो स्टोन्स एट मी फॉर फन, और अपनी मस्ती के लिए मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। यू हैड बेटर मेक मी अ काऊ, वो उसको बोलता है कि मुझे काऊ बना दो।
इंस्टेंटली ही बिकेम अ काउ, फिर एकदम से वो काउ बन जाता है. नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू वॉट हैपन व्हेन दैट एनिमल बिकम अ काउ.